दोस्तों, पक्षियों के बारे में मान्यता है कि ये बेहद ही अच्छे माता पिता होते हैं। पक्षियों में बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी अकेले मादा पर नहीं होती, बल्कि नर भी पूरी मेहनत के साथ अपने अंडों और चूजों का ख्याल रखता है। सबसे पहले नर और मादा एक एक तिनका इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से अपने अंडों और चूजों के लिए घोंसला तैयार करते हैं। फिर उस घोंसले में अंडे देने के बाद आमतौर पर मादा कई सप्ताह तक अंडों को ही सेती रहती है। वहीं नर घोंसले की सुरक्षा और देखरेख करता है, और जब अंडों से नन्हे चूजे बाहर निकलते हैं तो नर और मादा दोनों मिलकर चूजों के भोजन के बंदोबस्त में जुट जाते हैं। ये हर दिशा में खोज पर निकलते हैं और अपनी पैनी नज़रों के दम पर बेहद ही छोटे कीड़ों को भी खोज लाते हैं और अपने चूजों को खिलाते हैं। इन्हें अपने चूजों का पेट भरने के लिए लगातार कई महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है, किंतु इसके विपरीत कुछ पक्षी इतने लापरवाह भी हो जाते हैं कि अपने चूजों को भोजन कराना तो दूर, ये अपने अंडों को सेने या घोंसला बनाने तक की जहमत उठाना पसंद नहीं करते, बल्कि इन पक्षियों में मादा मौका देकर किसी अन्य पक्षी के घोंसले में अंडे देकर फरार हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में 5 ऐसे ही पक्षियों के बारे में जानते हैं जो दूसरों के घोंसले में अंडा देकर दूसरे पक्षियों से अपने बच्चों का मुफ्त में पालन पोषण करवाते हैं। काउबर्ड। दोस्तों, काउबर्ड उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक कीट भक्षी पक्षी है। प्राचीन ग्रीक भाषा में इस पक्षी को मोल्थुरस नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है जबरन गर्भवती करने वाला। इस पक्षी का ये नाम काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मादा काउबर्ड उन पक्षियों के घोंसलों में अंडा देकर फरार हो जाती है जिन पक्षियों का घोंसला अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुआ है। यानी घोंसला बना रहे पक्षियों के खुद के अंडे पैदा होने से पहले ही उन पक्षियों को काउबर्ड मादा माता पिता बना देती है। अमूमन दूसरों के घोंसले में अंडे देने वाले अधिकतर पक्षी कुछ एक विशेष प्रजातियों के पक्षियों के घोंसलों को ही चुनते हैं, किंतु काउबर्ड किसी भी नस्ल के पक्षी के घोंसले में अंडे दे देते हैं। कई बार तो मादा काउबर्ड खुद के आकार की तुलना में बेहद छोटे पक्षियों के घोंसलों में भी अंडे दे डालती है। जरा इस वीडियो में देखिए, पिछले दिनों ये वीडियो इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय हुआ था। वीडियो के साथ मैसेज आया था कि यहाँ एक छोटा पक्षी एक बूढ़े पक्षी को भोजन करा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ये छोटा पक्षी एक वयस्क चिंपिंग स्पैरो है। ये चिड़िया बहुत ही छोटी होती है, इसका वजन मात्र 10 से 12 ग्राम ही होता है, और यहाँ ये चिड़िया एक काउबर्ड के चूजे को भोजन करा रही है। असल में इस चिड़िया के घोंसले में मादा काउबर्ड ने अंडा दिया था, इसलिए ये बेचारी चिड़िया उसी अंडे से बाहर आए चूजे की जिम्मेदारी उठा रही है। इस तरह से किसी छोटे नस्ल के पक्षी द्वारा बड़ी नस्ल के पक्षी को पालना काफ़ी दुर्लभ दृश्य है, किंतु जीवों के विचित्र संसार में ऐसी अनोखी घटनाएँ भी होती रहती हैं। यहाँ खुद को इस बड़े चूजे की माँ समझने वाली ये चिड़िया और काउबर्ड चूजे के आकार में इतना अधिक अंतर है कि कई बार तो ये चिड़िया इस काउबर्ड चूजे के ऊपर भी बैठ जाती है। इंडिगो बर्ड। दोस्तों, इंडिगो बर्ड एक छोटी सी काले और नीले रंग की चिड़िया है। हालांकि ये चिड़िया पूर्ण रूप से काले रंग की ही होती है, किंतु दिन की रोशनी इसके बालों पर पड़ने के कारण इस चिड़िया के बाल अनोखे तरीके से नीले रंग में चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। इंडिगो बर्ड अपने जैसे ही आकार वाले अन्य पक्षी फिंच चिड़िया के घोंसले में अंडे देती है। अंडे देने के लिए नर और मादा दोनों ही इंडिगो बर्ड लगातार दूसरी फिंच चिड़िया के घोंसलों पर नज़रें जमाए रहते हैं, और जैसे ही वो दूसरा पक्षी जोड़ा इधर उधर हो जाता है तो मादा इंडिगो बर्ड तुरंत अपने अंडे उस फिंच चिड़िया के घोंसले में दे देती है। वैसे इंडिगो बर्ड फिंच चिड़िया के घोंसले में पहले से मौजूद अंडों को नष्ट नहीं करती, बल्कि ये अपने अंडों को घोंसले में पहले से मौजूद अंडों के मध्य में ही छोड़ देती है। जिस फिंच चिड़िया के घोंसले में इंडिगो बर्ड अपने अंडे छोड़ती है, उस चिड़िया के अंडे और इंडिगो बर्ड के अंडे दिखने में करीब करीब एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए वो दूसरी चिड़िया ये पहचान नहीं कर पाती कि कौन से अंडे उसके हैं और कौन से इंडिगो बर्ड के। नतीजन वो चिड़िया सभी अंडों की चौकसी में लग जाती है। इंडिगो बर्ड मध्य, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में पाई जाती है। दिन के साथ साथ इंडिगो बर्ड रात को भी सक्रिय रहती है, और आमतौर पर लंबी यात्राओं के लिए तो इंडिगो बर्ड दिन के मुकाबले रात में ही सफर करना पसंद करते हैं। हनी गाइड चिड़िया। दोस्तों, हनी गाइड एक अनोखा पक्षी है जो दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देता है। हनी गाइड मध्य अफ्रीका के साथ साथ एशिया के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इस पक्षी को इसकी एक अनूठी खूबी के कारण हनी गाइड नाम मिला हुआ है। असल में इस नन्ही चिड़िया को शहद खाना बेहद पसंद है, किंतु खतरनाक मधुमक्खियों के बीच में से शहद चुराने की हिम्मत इसके भीतर नहीं होती, इसलिए इस चिड़िया ने हनीबेजर नामक जानवर से दोस्ती कर ली है। ये चिड़िया हनीबेजर को देखते ही चहचहाते हुए
हत्या की दिशा में बढ़ चलती है और हनी बेजर भी इसके पीछे पीछे हो लेता है। हनी गाइड रास्ता दिखाते हुए हनी बेजर को शहद के छत्ते तक पहुंचाती है और वहां पहुंचकर हनी बेजर छत्ते का काम तमाम कर देता है। फिर हनी गाइड चिड़िया और हनी बेजर दोनों मिलकर शहद की दावत उड़ाते हैं। खैर, हनी गाइड की शहद खोज लेने की विशेषता भले ही शानदार हो, किंतु अंडे देने के लिए चिड़िया भी दूसरे पक्षियों के घोंसलों का ही इस्तेमाल करती है। इस चिड़िया ने करीब 5 से 6 अन्य ऐसी चिड़ियाओं की खोज कर रखी है जो चिड़िया हनी गाइड के अंडों को अपने अंडे समझकर अपना लेती है। यदि हनी गाइड को घोंसले में पहले से मौजूद अंडों की संख्या अधिक लगती है तो ये पहले से मौजूद अंडों को कई बार नीचे भी गिरा देती है। वहीं अनेकों बार ऐसा भी होता है कि जब घोंसलों के मूल अंडों की बजाय हनी गाइड द्वारा दिए गए अंडों में से चूजे पहले बाहर आ जाते हैं। ऐसे में ये चूजे घोंसले में मौजूद मूल अंडों को अपनी चोंच से धकाते हुए नीचे गिरा डालते हैं। यानी कामचोरी सिर्फ हनी गाइड चिड़िया में ही नहीं बल्कि इसके नवजात चूजों के भीतर भी होती है। ब्लैक हेडेड डक। दोस्तों, काले रंग के सर की ये बतख दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में पाई जाती है। हालांकि काले रंग का सर सिर्फ नर बतख के पास ही होता है, वहीं मादाओं के सर का रंग सलेटी होता है। ये बतख बहुत ही पेटू जानवर है जो पूरे दिन खाता ही रहता है, इसलिए इसके पास अंडे सेने के लिए समय ही कहाँ रहता है। यही वजह है कि काले सर वाली बतख अपने अंडे दूसरे बतखों के घोंसलों में छोड़ देती है ताकि दूसरी बतखें मेहनत करे और ये आराम से खाती रहे। हालांकि दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में काले सर वाली बतख का व्यवहार थोड़ा अच्छा होता है। एक तो ये घोंसले में पहले से मौजूद अंडों या चूजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, साथ ही अपना अंडा दूसरी बतखों के घोंसले में छोड़ने के बाद भी फरार नहीं होती बल्कि आसपास ही मौजूद रहती है। इसलिए अंडों में से चूजे बाहर आने पर ये कभी कभार उन चूजों के लिए भोजन भी उपलब्ध करा देती है। यदि भोजन अतिरिक्त हुआ तो न सिर्फ अपने चूजों को बल्कि ये दूसरी बतख के चूजों को भी भोजन दे देती है। मतलब काले सर वाली बतख किसी का एहसान नहीं रखती बल्कि मौका मिलते ही एहसान उतार देती है। वैसे बतख जैसे पक्षी अधिकतर मौकों पर तालाबों या नदियों के किनारे ही अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले एक दूसरे के पास पास ही होते हैं, यानी कई सारी बतख मिलकर एक साथ अनेकों चूजों की देखभाल कर सकती है। यही वजह है कि अन्य बतखों को भी काले सर वाली बतख के अंडों और चूजों की देखभाल करने में कोई विशेष परेशानी नहीं उठानी पड़ती। कोयल। दोस्तों, कोयल पक्षी की 150 से अधिक उपप्रजातियां पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पक्षी की उपप्रजातियां अंटार्कटिका के ठंडे इलाके को छोड़कर बाकी दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। कुछ प्रजाति की कोयल बिल्कुल काली तो कुछ हल्की ग्रे और कुछ भूरे रंग की होती हैं, लेकिन ये सब की सब बेहद सुरीली आवाज में गाती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोयल अलग अलग पक्षियों के घोंसलों को अंडे देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यदि भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई देशों की बात की जाए तो यहाँ कोयल सबसे समझदार माने जाने वाले पक्षी यानी कौवों को ही मूर्ख बनाती हुई कौवों के घोंसले में अंडे दे देती हैं। कौवे के अंडे भी कुछ हद तक कोयल जैसे ही दिखते हैं। हालांकि कोयल के अंडे थोड़े छोटे आकार के जरूर होते हैं, लेकिन समझदार समझे जाने वाला कौवा अपने और कोयल के अंडों में अंतर नहीं कर पाता और खुद के साथ साथ कोयल के अंडों की भी देखरेख करता है। आमतौर पर एक कौवा 3 से 4 अंडे देता है और करीब करीब इतने ही अंडे कोयल भी दे देती है। यानी कुल मिलाकर कौवे माता पिता को एक साथ ही 6 से 8 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ सकता है। इतनी मेहनत करने की वजह से बेचारे कौवे माता पिता खुद बेहद ही कमजोर हो जाते हैं और कोयल अंडे देकर शान से फरार हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर से किसी एक पक्षी की संतान को दूसरे पक्षी द्वारा पाला जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।